रक्षा जैव ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के किसानों को नई तकनीक से अवगत करवाने के लिए किसान जवान मेला लगाया, जहां किसानों को उन्नत खेती के लिए नई तकनीक की जानकारी दी गई। डीआरडीओ ने हल्द्वानी के गोरापड़ाव स्थित अनुसंधान केंद्र में 3 दिवसीय किसान जवान विज्ञान मेले का आयोजन किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने अनुसंधान केंद्र की अति आधुनिक लैब का भी उद्घाटन किया। किसान जवान विज्ञान मेले में कृषि के साथ साथ कई स्थानीय उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया और किसानों को उन्नत तकनीक की जानकारी देने के लिए तमाम स्टॉल्स भी लगाए गए। बेहतर पौधे और बीज भी किसानों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं और खेती की आधुनिक तकनीक भी उन्हें बताई जा रही है। मेले में महिला सहायता समूह के साथ साथ कई सरकारी और निजी संस्थाओं ने अपने स्टॉल लगाए हैं। मेले में कृषि के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित भी किया गया। हमने सर्टिफिकेशन करवा लिया है अपना, जो केमिकल रहित खाद से बने हुए हमारे भोजन पदार्थ हैं, साग भाजी है, तो हम खाद में डालेंगे ही नहीं, जो आज बाजार की खाद आ रही उसे नहीं डालेंगे। पूर्णतः हमने कहा ना कि गोबर की खाद से बनाएंगे या अन्य जो खादें हैं, कूड़ा करकट जो कचरा निकलता है उससे निकालेंगे, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी हम लोगों ने इसका कर लिया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।